एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है वेंसडे और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का सारा काम मेरा डन हो गया है। इवन मैंने लंच के लिए वाइट चने की सब्जी बनाई थी, वो भी बना के रख दी है। अब मुझे सिर्फ राइस बनाने हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं तो बर्तन वगैरह मैंने क्लीन करके रख दिए हैं। और चने दोपहर के लिए चने की सब्जी मैंने बना ली है, वाइट चने बनाए हैं। और बाकी के ये जो मॉर्निंग के बर्तन वगैरह क्लीन करके रखे हैं, अभी गीले हैं तो मैंने नहीं लगाए हैं, अभी एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो इधर मैंने चाय बना के पी ली है। और यहाँ पे जो इडली कुकर आया था कल, मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, उसको भी मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया है। सूख जाएगा तो इसको असेंबल करके रख दूंगी। और ये कैटल भी मैंने वॉश करी थी तो इसको भी यहाँ पे, सूख गई है ये तो इसको भी यहाँ रख दूंगी। बाकी क्लीनिंग वगैरह डन है मेरी सारी। और ये कर्टन्स फोल्ड करके रखे हैं, इनको अंदर रखना है। और इधर बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों की छुट्टी थी। हेलो बोलो बेटा। हेलो, हैप्पी होंगी डे। कुछ भी तो इनके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं तो आज इन दोनों को छुट्टी थी, तो ये अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम है? पंजाबी। आपका पंजाबी और आपका हिंदी है ना? तो इसका कल नहीं है, परसों है एग्जाम और इसका कल है। तो ऐसा आप इनका देख सकते हैं, पढ़ाई कम है और बुक्स ज्यादा है। तो चलो पढ़ो जल्दी। और बाहर दिखाती हूँ आपको, कपड़े मैंने धो के सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो ये देखिए, ये चावल ख़त्म हो गए थे, उसका ड्रम मैंने सुखाया है, फिर जब सूख जाएगा देन फिर इसमें चावल डाल दूँगी। तो ये तो था मेरा अब तक का अपडेट कि मैंने क्या क्या कर लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी कबर्ड को ठीक करने। एक्चुअली इसीलिए मैंने आज जल्दी अपना लंच वगैरह बना लिया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अपना कबर्ड अरेंज करना है, क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और गर्मी महसूस होती है काफ़ी। तो जैसे मैंने ये कॉटन का सूट पहन रखा ना, इसमें काफ़ी आराम रहता है घर के अंदर। बाहर जाना हो तो थोड़ा सा पतले स्वेटर से काम चल जाता है, और दिन में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े हैं, गर्म सूट हैं, उन सबको मैं रख दूँ, और जो आयरन करने हैं उनको अलग कर दूँ, और जो जैसे जैकेट्स हैं उनको धूप वगैरह लगवा दूं। तो वो सब आज मैं अरेंज करूंगी, सबको अलग अलग करके रख दूंगी। आज मैं धूप लगवाने के लिए बाहर रख दूंगी, देन फिर कल मैं उनको, मतलब शाम तक उन सबको मैं रख दूंगी दीवान में, जहां भी उनको रखना है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि कुछ मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स मंगवा लेती हूँ और उसमें अरेंज करके रखूंगी, तो फिर वो मंगवाऊँ फिर आने में टाइम लगेगा। तो कबर्ड मेरा बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये साड़ियाँ वगैरह भी मैं सारी रख दूंगी अंदर, क्योंकि मैं साड़ियाँ इतनी पहनती नहीं हूँ। ये मैंने हल्की साड़ियाँ बाहर रखी थी ताकि मैं कभी कभी पहन पाऊँ, लेकिन मुझे साड़ी पहनना थोड़ा, देखती हूँ। तो ये सब हैं, और ये गर्म सूट हैं, ये पार्टी वेयर साड़ी, एक दो शादियाँ हुई थी उसकी, ऐसी बाहर पड़ी हैं, इनको भी रख दूंगी। ये भी शादी की साड़ी आयरन वगैरह करवा के रखी है। इधर भी सारे पार्टी वेयर सूट्स पड़े हैं तो इनको मैं सोच रही हूँ अलग कर दूं। और यहाँ पे मैं देखिए, कपड़े भी नीचे गिर रहे हैं अब तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, क्या करूँ। और रखना तो मुझे बेड के दीवान में ही है, यानी कि बेड बॉक्स के अंदर। तो वही सोच रही हूँ, ऑर्गेनाइजर्स मंगवाऊँ, क्या करूँ। चलो अभी अरेंज करती हूँ, फिर ऑर्गेनाइजर मंगवाऊंगी तो भी आपके साथ शेयर तो करूंगी ही कि मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाए हैं और ऐसे ऐसे अरेंज किया। अगर नहीं भी रखूंगी तो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अभी हम कर लेते हैं काम। कबर्ड को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मुझे करनी पड़ेगी अपनी कबर्ड खाली। तो मैंने पूरी कबर्ड तो नहीं खाली की है, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसको वैसे ही रहने दिया एज इट इज, और जहाँ पे हैंगर्स लगे हैं वो हैंगर्स भी एज इट इज़ रहने दिए हैं। मैंने सिर्फ जो नीचे बीच वाली शेल्फ में जो जितने भी कपड़े पड़े हैं ना, वो सारे निकाल लिए हैं। तो ऐसे करूँगी, एकदम से सारा खाली कर लूँगी ना तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या सही करूँ और क्या ना करूँ।
तो सबसे पहले मैंने बीच वाले जो शेल्फ में कपड़े पड़े थे वो सारे कपड़े निकाल लिए हैं। मोस्टली उसी में स्वेटर्स वगैरह सब फोल्ड करके रखे हुए थे, तो इसीलिए फिर वहाँ से सारे कपड़े निकालने के बाद अब मैं इनको सेग्रीगेट कर रही हूँ और अलग अलग तरीके से जैसे मुझे इनको स्टोर करके रखना है, मतलब रखना है अंदर बेड बॉक्स में, तो उसी तरीके से मैं अलग अलग सेक्शन में जो आयरन करने वाला है उसको मैं अलग कर रही हूँ, और जो मुझे जैसे डिस्कार्ड करने हैं वो कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, और जो स्वेटर्स वगैरह हैं वुलन है वो अलग कर दिया है, और इस तरीके से मैंने सब चीज़ों को सेग्रीगेट कर लिया है। तो ये मैंने साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन, मिंत्रा से मंगवाई थी। ये साड़ी है और ये है इसका ब्लाउज, तो ये है पल्ला इसका, ये वाला पल्ले में ना इस तरह से लटकन लगे हुए हैं। और ये मैंने मंगवाई थी, अभी इसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया, अब सोच रही हूँ गर्मियाँ आ गई हैं तो इसको स्टिच करवा के रख लेती हूँ, समटाइम्स जाना ही पड़ जाता है। बहुत ही अच्छी साड़ी है ये, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है और स्टफ़ भी अच्छा है। तो इन केस अगर आपको अच्छी लगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। मिंत्रा की साड़ी है ये, तो इसके जैसी एक और मैंने ली थी शादी में, वो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले कपड़े दिखा दूँ, मैंने सेग्रीगेट कर लिए हैं। यहाँ पे ये वाले जो हैं ये आयरन करने के लिए भेजने हैं, और ये वाले मैंने रिटायर कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो रोएं वगैरह आ गए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गए इनको, ये अलग कर दिए हैं। ये मेरा सूट आयन हुआ है, उसके जो आयन करने के लिए भेजने हैं उसके साथ का ये शॉल स्टॉल जो भी आपको हो वो है, और ये कुर्ती है मेरी वुलन की, इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना पूरी सर्दी में, और ये रेड स्वेटर है इसको भी नहीं पहना। तो ये सारे स्वेटर्स हैं, इनको अलग कर दिया है। ये एक पतला सा स्वेटर है तो अभी इसके इससे काम चल जाएगा, तो ये मैंने बाहर रख लिया है, अब इसको अंदर नहीं रखूंगी, कुछ इस तरीके का है। इसके जैसा एक ब्लैक भी है मेरे पास, तो वो दो रख लिया है मैंने, ताकि अगर बाई चांस हल्की फुल्की ठंड होती भी है तो काम चल जाएगा। तो ये कुर्ती है, पजामाज, टी शर्ट्स वगैरह जो घर में पहनने के लिए, और ये गर्मियों का मैंने एक दो स्टॉल ओढ़ने के लिए और जो स्कार्फ होते हैं वो हैं, और साथ में मेरी कुर्ती है। तो ये सारे मैंने सेग्रीगेट कर दिया। अब मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, तो ये है वो साड़ी जो मैंने शादी में ली थी और मैंने पहनी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, बॉर्डर में है रेड कलर, कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता कलर को, और यहाँ पे है पिंक, रानी कलर बोलते हैं ना जिसको, वो है, और यहाँ पे इस तरीके से लटकन लगे हुए हैं पल्लू में, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और इसके साथ ब्लाउज है कुछ इस तरीके का, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज की थी मिंत्रा से। इनकेस अगर आपको पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अभी पार्टी वेयर सूट्स टंगे हुए हैं, ये है, ये है, ये है, ये साड़ी है, और ये वाली साड़ियाँ मैंने घर में पहनने के लिए निकाली थी, जो कि मैं पहनती, मेरे से संभलती नहीं है, तो ट्राई करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि घर में पहनूं, क्योंकि इनको इनका क्या करना है फिर, नहीं कि नहीं पड़ी है ये। तो इसके साथ का जो सूट था वो मैंने अंदर रख दिया हुआ है दीवान में, पहले ही रख दिया था सर्दियों से पहले ही, इसका दुपट्टा बाहर रह गया है। तो यहाँ पे भी पड़े हैं जैकेट्स, और यहाँ पे गर्म टी शर्ट्स हैं सारी, स्वेट शर्ट्स बोलते हैं जिनको, जीन्स है मेरी, लेगिंग्स वेगिंग वो सारी ऊपर हैं, और वो कुछ पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है मेरा गरम सूट, ये मैंने स्टिच नहीं करवाया अभी, क्योंकि अब सर्दियां चली गई तो देखूंगी एक आध एक आध करके स्टिच करवा लूंगी, दो तीन सूट और पीछे पड़े हुए हैं जो अनस्टिच्ड है, तो ऐसा है। और अलग तो मैंने कर लिया, अब समझ नहीं आ रहा इसको रखूँ कैसे, अब ऑर्गेनाइजर मंगवाऊँ या कैसे करूँ, चलो बाकी का भी निकालती हूँ। तो सारे कपड़े बाहर निकालने के बाद, उनको सेग्रीगेट करने के बाद, मैंने सारे कपड़े ले जाके बाहर रख दिए हैं।
बाहर वाले दीवान में, हॉल में जो हमारा दीवान है उसके ऊपर, दीवान बेड है उसके ऊपर, क्योंकि मैं अब ये वाला बेड बॉक्स खोलूंगी, इसी में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े मतलब उधर वाले बेड बॉक्स में पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मुझे ये बिस्तरा सारा हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले सारे कपड़े ले जाके बाहर रख दिए हैं, देन अब मैं पूरा बिस्तरा हटाऊंगी, हटाने के बाद फिर मैं अपना बेड बॉक्स खोलूंगी और उसमें अरेंज करूंगी कपड़े। फिर मैंने ये रखे हैं, ये वाले जो हैं ये आयरन में देने हैं, ये मेरी साड़ी है जो मैंने ब्लाउज स्टिच करने देना है, और वो वेस्ट हैं जो मैं जो भी आते हैं उनको दे दूंगी। गुरुद्वारे की गाड़ी आती है तो उसमें जैसे जरूरतमंद जो भी होते हैं ना उनके लिए आप कपड़े दे सकते हो, जो भी आपके पास खाने के लिए ये वो, तो ये कपड़े जो नहीं जरूरत होती ना, या बच्चों को छोटे हो जाते हैं या ऐसे भी, वो फिर मैं उनको दे देती हूँ तो वो ले जाते हैं, ऐसे किसी के काम भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे फालतू में जगह घेर के बैठे हुए हैं तो किसी के काम आ जाएंगे, तो मैं वहां पे ये दे देती हूँ। तो यहाँ पे आती है गाड़ी 15 दिन में एक बार आती है, तो ये उसके लिए मैंने ये सारे मैंने गर्मियों के कपड़े निकाल रही हैं, ये लोअर टी शर्ट शॉर्ट्स के हैं, ये पार्टी वेयर सूट्स के दुपट्टाज हैं, ये कॉटन के दुपट्टाज हैं, ये कुछ पार्टी वेयर सूट्स हैं, और बाकी ये मिक्स है। तो अभी मैं सोच रही हूँ जो तो पार्टी वेयर है ना, तो अभी मैं सोच रही हूँ जो पार्टी वेयर सूट्स मेरे हैं या साड़ीज है ना, उनको ऊपर वाले सेक्शन में रखूंगी, ताकि क्योंकि कभी कभार उनका इस्तेमाल होना है तो फिर ऊपर से निकालना इजी, बाकी नीचे मैं वो डेली वेयर और अपने नॉर्मल वेयर जो होते हैं वो रख लूंगी, तो मुझे ईजी रहेगा और हैंडी भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मुझे सांस चढ़ रही है, पहले मैं पानी पी के आती हूँ एक ग्लास। हाय, और आप बताइएगा कमेंट करके मुझे, आप लोगों ने अपने कपड़े समेट लिए हैं? तो अभी बच्चों के भी रखने हैं, अभी बच्चों के तो रखूंगी, इनके एग्जाम्स वगैरह खत्म हो जाए, देन उसके बाद उनको ब्रेक होगा ना, तो फिर उसमें तो अभी नहीं रख रही हूँ क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है ना, फिर से कुछ हो गया तो बच्चों के लिए तो जरूरी है रखना। तो अपने हस्बैंड्स की भी मैंने सारी जैकेट्स वगैरह सब कुछ रख दिया है, जो बहुत ज्यादा ठंड में पहनने वाले वो रख दिए हैं, उनके भी स्वेट शर्ट्स और ये सब रखे हैं बाहर, और वो फिर बाद में रख दूंगी अंदर। तो पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, तो मैं बैठ गई, और मैं लगी थी 10:30 बजे और अभी बज गए हैं 12:30। हाँ जी, बच्चा में अंकुर आती है, बच्चा में अदक आता है, अदक। तो इसका है पंजाबी का पेपर, तो वही पूछने आई थी। तो अभी टाइम बच गया है 1, और कबर्ड वगैरह मैंने सेट कर ली है, सबको सेग्रीगेट करके उनकी उनकी जगह में पहुंचा दिया है, और जो आयन वाले थे उनको बाहर रख दिया है, और बाकी का सामान मैंने अंदर रख दिया है ना। मैं दिखाती हूँ, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें मैंने पार्टी वेयर सूट्स और दुपट्टाज रख दिए हैं, और साड़ीज और कुछ सूट मैंने यहाँ पे हैंगर में लगा दिए हैं, और तो पार्टी वेयर सूट्स ऊपर चले गए हैं, साथ में दुपट्टास भी, और कुछ साड़ियाँ और सूट यहाँ पे मैंने टांग दिए हैं, पार्टी वेयर भी हैं और नॉर्मल भी हैं, और यहाँ पे कुर्ताज हैं और प्लाजोज हैं, और ये जीन्स हैं, और इधर भी कुर्ताज हैं, सूट्स वगैरह डेली वेयर के वो मैंने इधर सेक्शन में रख दिए हैं, और ये दुपट्टास रख दिए हैं इसमें सारे, और इसमें मास्क और सॉक्स वगैरह हैं, और नीचे वाले में अपना इनर वेयर वगैरह। तो ये मेरा प्रॉपर हो गया है, काफी हद तक मैंने मैनेज कर लिया, बस मैंने
सर्दियों के कपड़े रखने थे और गर्मियों के निकालने थे, इतना काम हो गया है मेरा। बाकी ये तो चलता रहेगा। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह 5 बजे उठी थी और उठे उठे अभी बज गया है 1, और लंच की तैयारी करनी है मुझे। और देखूंगी क्या बनाना है, अभी चने में नए बने हुए हैं, राइस बनाने हैं वैसे तो, लेकिन अगर कुछ और होता है जैसे नूडल्स पड़े हुए हैं तो मेरी सिस्टर नूडल्स लेके आई थी तो वो भी बनाने के लिए रखे हुए हैं, अगर वो बनाने होंगे तो वो बना लूंगी, नहीं तो इवनिंग में देखूंगी स्नैक्स में वो बना लेंगे। और अभी हम चने और राइस खा लेते हैं। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, देन फिर मिलती हूँ आपसे। दूसरे वाले राइस हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो मैं ये लेके आई थी ना इंडिया गेट का बासमती राइस मिनी मोगरा, ये वाला मैं ओपन कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कैसा है चावल। मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे टोटा बासमती का चावल है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चावल रखने के लिए, और चावल अभी मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है अपने अंदाजे से, जितना मैं पहले अपने चावल में डालती थी उसी हिसाब से। अभी देखती हूँ फर्स्ट टाइम बनाए हैं कैसे बनेंगे। थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है ऊपर से, तो ये कुछ ऐसे बने हैं, चिपके चिपके से बने हैं। आई थिंक पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो कल पानी थोड़ा कम डाल के बनाऊंगी, तो देखूंगी कैसे। बाकी खाने में ठीक था, टेस्ट अच्छा था, बासमती का फ्लेवर तो अच्छा ही होता है, बस यही दाने का फ़र्क होता है कैसा दाना आप खाते हैं। तो बस अब मैं फटाफट से कर लूँगी लंच, और उसके बाद फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, फिर शाम को उठ के और वो नूडल्स मैं आपको कह रही थी ना, तो उसी की रेसिपी बनाई, मतलब उसी नूडल्स को बनाया और फिर हमने डिनर में वही खाया था, तो वो आपसे शेयर करूँगी। और उससे पहले वेदर आपको दिखा रही हूँ मैं, ये सोने से पहले का वेदर लंच करने के बाद, और धूप अच्छी खासी है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो चलिए मूव करते हैं रेसिपी की तरफ। और सो के उठने के बाद मैंने चेंज वेंज कर लिया, मुंह हाथ धोए अच्छे से फ्रेशन अप होके, और मैं आई हूँ किचन में। अब बनाऊँगी फटाफट से। मैंने लिया है यहाँ पे, मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का स्मेल थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इन चीज़ों में वो स्मेल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने प्याज जुलियन में कट करके रखा था वो डाल दिया, और बंद गोभी कट, एक छोटी वाली बंद गोभी थी वो कट करके रखी थी वो डाल दिया है। देन एक साइड पे नूडल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, पता नहीं इन वाले नूडल्स को क्या कहते हैं, ये आई थिंक हाफ बॉयल नूडल्स मिलते हैं मार्केट में, मेरे को पता नहीं है प्रॉपर, क्योंकि मेरी सिस्टर लेके आई थी, वो लोग यही बनाते हैं, तो मुझे इसका नाम नहीं पता प्रॉपर ये कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो ये वाले नूडल्स थे, उनको मैंने बॉईल करने के लिए पानी रखा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और उसके बाद उनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक यहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स पका लूँगी, मतलब भून लूँगी अच्छे से, और इनको एकदम कुक नहीं करना है। कैप्सिकम ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे, और कुक नहीं करना है इसको, हाफ कुक जैसा रखना है, जैसे आप नूडल्स खाते हैं ना मार्केट में और कैसी खड़ी खड़ी सी वेजिटेबल्स होती हैं, उसको बिल्कुल उसी तरीके से रखना है। और ज़्यादा मसाले भी मैंने कुछ नहीं ऐड किए थे, और मैंने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैंने सिर्फ धनिया पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे। इवन मेरे पास तो ग्रीन सॉस और ग्रीन चिली सॉस और वो रेड चिली सॉस भी नहीं था, क्योंकि मैं ये बनाती नहीं हूँ घर में, बहुत कम रेयरली बनता है, तो मेरे पास वो चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बना था। और हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने, हमने तो ग्रीन चिली लेके खा लिया था साथ में, और बच्चों के लिए तो परफेक्ट था ही, उनको तो मिर्ची चाहिए ही नहीं होती। तो बस इनको मिक्स करने के बाद अच्छे से उधर नूडल्स मेरे बॉईल हो गए थे, जल्दी ही बॉईल हो गए थे और एकदम खड़े खड़े से, कोई चिपके नहीं थे आपस में, बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हुए थे, क्योंकि मैंने ऑयल डाल दिया था पानी में। और इनको बहुत अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स, एकदम बाज़ार के स्टाइल में, जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी अच्छे उसी तरीके से, बहुत ही टेस्टी बने थे और देखने में भी वैसे ही थे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं सोया सॉस और ये डाल के, अदरवाइज़ मैं अपना देसी स्टाइल से बनाती हूँ, वो बच्चे खुश होकर खाते हैं वेजिटेबल सारी डाल के, और उसके बाद अपना हल्दी वल्दी डाल के, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं, उसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आज मैंने इसकी डिमांड थी तो यही वाले बनाए हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम घर में खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि मार्केट से ही लेके आए हैं, तो बहुत ही अच्छे बने थे। इनको फटाफट से मैं मिक्स कर दूँगी
और मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला है अंदाजे से, और क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो इसीलिए इसमें नमक बहुत ही ध्यान से डालना होता है। और उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड कर दिया है, फिर मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अगर मुझे कम ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं ऐड कर सकती हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में ऐड नहीं कर सकते। तो देखिए मिक्स करने के बाद कितना अच्छा कलर आया है, थोड़ा सा सोया सॉस कम था तो मैंने बीच में ऐड कर दिया था, तो कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी इतनी टेस्टी थे। बस एक ही कमी थी इसमें कि मिर्ची नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ग्रीन चिल्ली सॉस अवेलेबल नहीं था ना, अगर वो होता तो फिर तो मज़े आ जाते, बट अदरवाइज़ ओवरऑल परफेक्ट बना था, बहुत ही टेस्टी था। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कैसा है आद्या? अच्छा है, अच्छा है, टेस्टी है। बाजार जैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है, चलो खाओ।